वेलकम। अब हम अपनी कुछ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स लेंगे। अगर कोरोना वायरस की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद रहती है, तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग इकोनॉमेट्रिक फोरकास्टिंग के कोर्स में रजिस्टर्ड हुए हैं। बाकी लोग देख लें, वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, तीन वीडियोज़ मैंने पहले आपको रिकमेंड की थी इस क्लास को, तो उससे जो है वो नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमेट्रिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमेट्रिक फोरकास्टिंग में एक चीज पहले हम समझने की जरूरत है कि टाइम सीरीज डेटा जो होता है ये होता क्या है और इसको क्यों स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है देन क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा जो है बेसिकली सिक्वेंशली ऑब्जर्व होता है ओवर टाइम, यानी कि आज आपने एक चीज नोट की, कल आप दोबारा एग्जैक्टली उसी टाइम पे उस चीज को नोट डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर है आपकी, स्टॉक मार्केट है, आज 10 o'clock, कल 10 o'clock, परसों 10 o'clock, एंड उसके बाद 3 days आफ्टर 10 o'clock। तो ये टाइम सीरीज डेटा एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो इसी तरह से आपकी मंथली एक्सपोर्ट, ईयरली एक्सपोर्ट, मंथली इन्फ्लेशन, ईयरली इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये सारी की सारी चीजें एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड होती हैं। वेयर एज इन क्रॉस सेक्शनल डेटा पे हम बहुत सारा डेटा एट ए पॉइंट इन टाइम ले लेते हैं। जैसे मेरी ये क्लास है, तो इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर सबका मैं पॉकेट एक्सपेंडिचर ले लूं तो ये आज के दिन में इन सबका पॉकेट एक्सपेंडिचर है। लेकिन टाइम सीरीज डेटा में अगर मैंने 10 o'clock एक ऑब्जर्वेशन ली है, तो 10 o'clock पे मैं एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकता, तो इसलिए टाइम सीरीज डेटा जो है वो सीक्वेंशियली ऑब्जर्व होता है ओवर टाइम। तो और उसमें टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है कि मैं एक बंदे के पॉकेट एक्सपेंडिचर से दूसरे बंदे के पॉकेट एक्सपेंडिचर को शायद उस तरह से फोरकास्ट नहीं कर सकूं, लेकिन अगर मुझे प्रीवियस वैल्यूज जो है कल की सेल गिवन हो, तो मैं आज की सेल को काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकता हूं। कल का स्टॉक मार्केट का लेवल जो है वो PSX जो आप क्लोज हुआ, अगर वो मुझे पता हो तो आज मैं उसकी क्लोजिंग की करीब करीब की वैल्यू गेस कर सकता हूं। गोल्ड प्राइस कल क्या थी, जिसको ये पता है एज कम्पेयर टू जिसको ये नहीं पता, तो वो जो जिसको ये बात पता है वो बेहतर गेस कर सकता है एज कम्पेयर टू जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। चेंज इन गोल्ड प्राइसेस वो एक डिफरेंट बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो टाइम सीरीज डेटा जो है ये बेसिकली आपका पर ईयर, पर मंथ, पर क्वार्टर, तो इस तरह से आपके पास जो है वो ऑब्जर्व होता है। जैसे अभी यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है कि एग्रीगेट कंजम्पशन एंड GDP फॉर ए कंट्री, क्वार्टरली डेटा, आपका एक्सचेंज रेट, तो आपके पास अगर डेली 365 ऑब्जर्वेशन, अगर आप उसको वर्किंग डेज डाल देंगे तो वो आपके पास पर ईयर कम ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। अब आप देखिए, तो आपके पास जो है वो पाकिस्तान का टी बिल रेट है, तो ये ओवर टाइम कैसे मूव कर रहा है, ये आपके पास 2004 वगैरह में ये जो है वो डिप आती है, तो ये आपको प्लॉट से एक आइडिया हो रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो आपके पास पाकिस्तान का GDP क्वार्टरली, जब क्वार्टराइजेशन, असल में पाकिस्तान का GDP क्वार्टरली मेयर नहीं होता, जब हम खुद से या सॉफ्टवेयर से करते हैं तो एग्जिट वो बिल्कुल उस जगह पे जो है वो किंक्स आती हैं। ये देखिए आप डाउन आ रहे हैं, तो ये बेसिकली सीजनैलिटी का एलिमेंट आएगा, वील सी जो है वो इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो यहां पे देखिए, व्हाई यूज टाइम सीरीज, तो टाइम सीरीज हमें क्यों यूज करनी है, और ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी है। आपके पास जो है एक पर्पज होता है, जैसे वो चार ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ लिए हैं, तो उसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था या यूज था आपके इकोनोमेट्रिक मॉडल का, वो था फोरकास्टिंग। तो यहां पे हम सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि जी हमें फोरकास्टिंग करनी होती है, ठीक है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर। हम यहां पे डायनेमिक कॉजल मॉडल्स, असल में ये हम वॉर मॉडल्स को इंटीग्रेशन में जाके ये बात करेंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर जो है वो इंटरेस्ट रेट लो कर देता है, तो उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, 3 months में कितना होगा, 12 months में कितना होगा, तो ये जो है वो बेसिकली अब आपके पास कॉजल इन्फ्रेंस की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस की बात हो रही है। जब हम फोरकास्टिंग में इन जनरल ये बात जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं, हालांकि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बट एनीहाउ। तो आपके पास जो है वो प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर पे जो है उसका क्या इंपैक्ट होगा रिडक्शन इन पॉलिसी रेट का, या फिर
इन दोनों का कुछ भी नहीं होता, ये बेसिकली आपके पास इन्फ्लेशन रेट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से कुछ नहीं हो रहा, जस्ट हमें नजर आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो है इन्फ्लेशन ओवर टाइम खुद से जो है वो ऑब्जर्व हो रही है, तो ये ओवर टाइम सिर्फ चेंज आ रही है। तो दीज आर दी थिंग्स जो कि हम टाइम सीरीज डेटा में अपनी इस इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो टाइम सीरीज डेटा जैसे मैंने पहले आपसे कहा है कि जी आपके पास जो है वो टाइम लैग्स, तो जैसे अभी मैंने कहा कि मैं कल की पीएसएक्स की क्लोजिंग प्राइस, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लोजिंग प्राइस को आज की क्लोजिंग प्राइस से प्रिडिक्ट कर सकता हूं, तो इट मींस कि वाई जो टी जो है वो उसका लैग आ सकता है यहां पे, वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ लैग ऑफ वाई, तो कल की वैल्यू क्या आज की वैल्यू जो है फंक्शन है। कोरिलेशन ओवर टाइम नेचुरली अगर डिपेंडेंसी हो, अगर हम प्रिडिक्ट कर सकें, अगर हम फोरकास्ट कर सकें कल की वैल्यू को आज की वैल्यू से, तो इट मींस देयर इज कोरिलेशन। हमेशा याद रखिए अ फिनोमिना इज इंडिपेंडेंट इफ यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट, फिनोमिना इज डिपेंडेंट इफ यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट, फिनोमिना इज डिपेंडेंट। तो फोरकास्टिंग मॉडल में एआर मॉडल्स, ऑटो रिग्रेसिव मींस सेल्फ रिग्रेसिव मॉडल्स, जिसमें वैल्यू सिर्फ अपनी पास्ट वैल्यू से डिटरमिन होंगी, जो भी बिहेवियर है, एक्सपोर्ट है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी पास्ट वैल्यूज की बात होगी, इसको हम कहेंगे स्टेटिस्टिकल मॉडल्स। ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स, तो इसमें क्या होगा कि कुछ अदर रिग्रेसर्स भी इंक्लूड होंगे, उनके लैग्स भी इंक्लूड होंगे। तो बेसिकली इन मॉडल्स की मैंने पहले पिछली स्लाइड में भी कहा है कि कॉजल इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं है हो, तो आपको ये देखना है कि जी आपके पास जो है वो किन कंडीशंस में हम इन इफेक्ट्स को एस्टीमेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जब आपके पास सीरियल कोरिलेशन होती है तो स्टैंडर्ड एरर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, तो वी विल कीप ऑन टॉकिंग इन दिस कोर्स अबाउट दीज इश्यूज। तो नोटेशन ज्यादातर हमारे पास ये जो वाई है, दैट इज योर टाइम सीरीज फिनोमिना लाइक एक्सपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्परेचर, टी इन द सब्सक्रिप्ट शोज के जी ये आपके पास टाइम पीरियड है, और कैपिटल टी शोज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर एज इन क्रॉस सेक्शनल डेटा वी एस्यूम दीज आर एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिकली इवनली स्पेस्ड इसमें बात जो है वो जरूरी है टाइम सीरीज डेटा में, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो इसके बाद आप देखिए तो हम लैग ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो लैग ऑपरेटर में क्या है कि वाई टी का फर्स्ट लेग वाई टी माइनस वन से यूज होता है, ये डेल्टा वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन, इसको मैं एक्सेल स्प्रेडशीट से आर से स्टेटा से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द लेग, और ये आपके पास लॉग लेके फर्स्ट डिफरेंस लिया गया है, तो ये इसलिए इसको डेल्टा लॉग ऑफ वाई टी कह देते हैं। एक लिखा होगा एल वाई टी, एल वाई टी का मतलब होगा या बी वाई टी कि वो एक लेग लिया है, इट मींस एल वाई टी माइनस वन होगा। तो ये मैं जो है वो आपको नोट्स कुछ अपलोड भी कर दूंगा। तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट में देखिए, तो जैसे आपके पास इन्फ्लेशन है 2004 में, क्वार्टर वन में, क्वार्टर टू में, तो बेसिकली फ्रॉम सेकंड क्वार्टर टू फर्स्ट क्वार्टर जो आपके पास इन्फ्लेशन चेंज आ रही है, तो दिस इज मेजर्ड लाइक दिस, और उसको आपने अगर एनुलाइज करना है तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय फोर, तो दिस इज एनुलाइज्ड। इसी एक और चीज कि जब हम लॉग लेके डिफरेंस लेते हैं या ये ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं, तो दीज वैल्यूज आर सो क्लोज टू ईच अदर, ये देखिए 4.4% एंड 4.329%, तो इसलिए अगर लॉग लेके डिफरेंस करेंगे तो इट विल बी लाइक ग्रोथ रेट। सो इसलिए जब भी हम जो है वो लॉग लेके डिफरेंस लेते हैं तो हम कहते हैं ये ग्रोथ रेट है, तो उसको इस तरह से ग्रोथ रेट जिसमें करंट वैल्यू माइनस पास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई पास्ट वैल्यू है, इस फार्मूला की जरूरत हमें नहीं फील होती। तो आपके पास जो है वो जो आपके पास बॉक्स जेनकिन, अभी हम डिस्कस करेंगे बॉक्स जेनकिन मेथोडोलॉजी क्या होती है, आप इसको कहीं से भी ब्राउज कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए, जो आर्मा मॉडल्स हैं, जो यूनिवेरिएट मॉडल्स हैं, जिसमें हम कोई और रिग्रेसर नहीं यूज करेंगे, ये हमेशा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, और सजेस्ट ये किया जाता है, प्रेफरेबल ये है कि आपके पास ऑब्जर्वेशन का रीजनेबल एक होना जरूरी है, 60 या 50 से कम ऑब्जर्वेशन जो है वो इन जनरल नहीं होनी चाहिए जब आप आर्मा मॉडल्स यूज कर रहे हैं।
तो यहां पे किसी इकोनॉमिक वेरिएबल की कोई 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 प्लेस नहीं है. ये बेसिकली प्योरली स्टेटिस्टिकल मॉडल्स हैं. हिस्टोरिकल फिनोमिना की बेस पे हम इस मॉडल इन मॉडल्स को यूज करते हैं जितने भी ARMA मॉडल्स हैं. सिमिलरली हम बात करेंगे कि जी आपके पास जो है वो स्टेशनरी फिनोमिना क्या होता है और नॉन स्टेशनरी फिनोमिना क्या होता है. तो आपके पास एक प्रोसेस जो है वो स्टेशनरी होगा अगर ये अभी मैं आपको एक्सेल स्प्रेड शीट से अपने नेक्स्ट वीडियो क्लिप में अपलोड करूंगा. अगर एक फिनोमिना जो है वो मीन उसका टाइम इन वेरियंट हो, यानी कि अभी आपने वो जो है चेक किया था कि आपके पास जो है वो GDP ऐसे इंक्रीज करके आपके पास जो है वो इंक्रीज हो रहा था, तो इट मींस कि वो टाइम इन वेरिएंट नहीं है. अगर आप पिछले 1980 से 1990 का GDP लेते तो और उसकी एवरेज और होती, 2000 से 2010 का GDP लेते तो और होती, 2010 से 2020 का लेते तो और होती. तो इट मींस टाइम मीन इज चेंजिंग ओवर टाइम, वेरियंस इज कॉन्स्टेंट. तो उसमें जो फ्लक्चुएशन है ओवर टाइम किसी भी रेंज में अगर आप उस फ्लक्चुएशन को मेजर करें तो इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. यानी कि अगर मैं वेरियंस फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन का, नेक्स्ट 20 का, नेक्स्ट 20 का, नेक्स्ट 20 का ले लूं तो आपके पास जो है ये इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. तो उसकी रेशियोज जो है 1 के इक्वल करीब करीब होनी चाहिए. ऑल को वेरियंसेज आर कॉन्स्टेंट. को वेरियंस जो है YT माइनस 1 पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, YT माइनस 2 पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, YT माइनस 4 पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. अगर ये डिपेंडेंसी होगी तो प्रोसेस जो है वो नॉन स्टेशनरी डिक्लेयर हो जाएगा. तो अब आपके पास दो किस्म के मॉडल्स हैं. एक है टाइम ट्रेंड मॉडल, YT इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स टाइम, और एक है YT इक्वल टू YT माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी. तो इसको हम कहते हैं रेंडम वॉक मॉडल, इसको हम कहते हैं टाइम ट्रेंड मॉडल. दोनों के दोनों नॉन स्टेशनरी हैं. इसमें हम डी ट्रेंडिंग करते हैं और इसमें हम डिफरेंसिंग करते हैं. ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाइट नॉइज. व्हाट इज व्हाइट नॉइज? तो हमें पता है कि एप्सिलॉन टी जो है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टी जीरो होनी चाहिए, वेरियंस ऑफ एप्सिलॉन टी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, और कोवेरियंस बिटवीन एप्सिलॉन टी एंड एप्सिलॉन टी माइनस जे शुड बी जीरो. तो मीन कांस्टेंट हो गया, वेरियंस कांस्टेंट हो गया, तो ये कोवेरियंस भी नहीं है, कोरिलेशन कोवेरियंस नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि ये व्हाइट नॉइज इज ऑलवेज स्टेशनरी फिनोमिना. बट जो है वो स्टेशनरी फिनोमिना में हम यहां पे ये नहीं कहते कि कोवेरियंस जीरो हो तो भी स्टेशनरी है. हम यहां पे कहते हैं कि इट शुड बी कांस्टेंट. तो आपके पास ये व्हाइट नॉइज को कॉन्सेप्ट हम जो है वो देख लिया. और इसके बाद हम जो है वो स्टेटिस्टिकल रिव्यू वगैरह में जाएंगे. तो आई होप आप इस स्लाइड्स को इसको लेक्चर को सुनिए. जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट कीजिए. आई ट्राई कि जी मैं इसको अपडेट करूं. तो जब भी हमारी और वो क्वेश्चंस नोट कर लिए जी, जब हम फेस टू फेस मीटिंग करेंगे तो आपने उसमें उस क्लास में मुझे सारे वो क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन करवा देने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.